मत भूलिएगा जी फ्रेंड। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप को पलटा लेना है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम किसी लैपटॉप के अंदर रैम या कोई चीज चेंज करनी होती है तो उसके लिए, या मदरबोर्ड निकालना होता है तो उसके लिए हम पहले कीबोर्ड को निकालते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होगा, इसमें आपने कीबोर्ड नहीं निकालना, इसमें सबसे पहले आपने इसको बैक इसके पलटानी है। पलटाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये स्क्रू लगे हुए हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्क्रू है। ये आपने सारे स्क्रू ओपन कर देने हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, स्क्रू ओपन करने हैं। यहां से मैं इसको भी ओपन कर देता हूं, इधर से इसको ओपन कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं ये सारे मैं स्क्रू इसके ओपन कर रहा हूं। आपने भी एज इट इज बैक साइड के जितने भी स्क्रू हैं इसके वो सारे ओपन कर देने हैं। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, पहले तसल्ली कर लेनी है क्या सारे स्क्रू आपने ओपन कर दिए हैं जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद यहां पर ये आप देख सकते हैं इस लैपटॉप में इस वाली साइड पर, इधर से आपने इसको बिल्कुल हल्का सा यूं इसको पुश करना है। ये देखें, ये हमने पुश किया, ये लैपटॉप का ये कवर ओपन होने लगा। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा और इसको पुश करना है। यहां से ये देख सकते हैं आप, ये लैपटॉप का कवर जो है ये ओपन होने लगा, ठीक है। यहां से ये उठ नहीं रहा, इट्स मीन एक स्क्रू ड्राइवर, ये जो स्क्रू जो है ये सही तरह ओपन नहीं हुआ, जिस वजह से ये कवर पूरी तरह ओपन नहीं हो पा रहा। अब आप ये देखें ये कितने आसानी से ये स्क्रू का ये जो कवर है ये हमने इसको उठा लिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको साइड पर रख लें। यहां पर आप इसको देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है, यहां पर ये दो रैम लगी हुई है, ये इसकी SSD हार्ड डिस्क है, यहां पर इसका बैटरी सेल है जिससे टाइम चेंज होता है, और टाइम अगर आपने इसका सेट करना होता है, सम टाइम टाइम नहीं बन रहा होता तो ये सेल चेंज किया जाता है, ये बैटरी सेल होता है, ये वाईफाई की ऑप्शन है, ठीक है। अब हमने आज इसमें देखना है कि हमने रैम चेंज करनी है, यानी कि इसमें दो रैम लगी है, मैं चाह रहा हूं एक रैम कम कर दूं। यहां से मैं क्या करूंगा, इस रैम को ये निकाल दूंगा, ये रैम मैंने इसकी स्किन निकाल दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एज इट इज इस लैपटॉप को अगेन ऐसे ही बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये कवर आपने यूं रखना है। कवर रखने के बाद इसके जितने भी स्क्रू है आपने एज इट इज इसको यहां से इसको क्लोज कर देना है। यहां से हम इसको मजीद क्लोज कर देते हैं, जो जो भी स्क्रू हमने इसके ओपन किए थे ये आप देख सकते हैं, मैं ये स्क्रू सारे इसके क्लोज कर रहा हूं ताकि ये लॉक हो जाए। ऐसे आप किसी भी लैपटॉप की, यानी कि डेल लैटिट्यूड E5570 इस लैपटॉप का मॉडल है, ठीक है, इसकी अगर आपने रैम चेंज करनी है तो रैम चेंज करने का इसका यही तरीकेकार है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डिस्प्ले लेना है। डिस्प्ले लेने के लिए आपने क्या करना है, इसको प्रेस करें और देखें इसका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा इट्स मीन कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, और अगर डिस्प्ले आ जाता है तो इट्स मीन ओके है। तो अभी हमने इसको प्रेस किया, ये देखें ये इसका डिस्प्ले आ गया, इट्स मीन ये हमारी रैम, हमने इसके अंदर 16 GB रैम थी, 8 GB की दो लगी हुई थी जिसमें से एक मैंने निकाल दी है और एक लगी रहने दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।